गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास एट का चैप्टर जो है 9, एल्जेब्रिक एंड आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटी चैप्टर का नाम है। उसकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका ए पार्ट हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से पहले यूट्यूब में लॉगिन जरूर कर लीजिए और मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही विस्तार से और बहुत हल्के हल्के समझाऊंगा, तो आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 4a - 7ab + 3b + 12 फ्रॉम 12a - 9ab + 5b - 6 सॉरी। तो ये क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान से उतारिए। क्वेश्चन उतारने में भी गलती हो जाती है बच्चों से और टीचर से भी कभी भी गलती हो जाती है। अगर क्वेश्चन आपने गलत उतार लिया आपका आंसर ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें कह रहे हैं इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना इसमें से बाद वाले वैसे, तो बाद वाला हमारा पहले आएगा और ये वाला बाद में आएगा। तो सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को उतार लेते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 4a - 7ab + 3b + 12 फ्रॉम 12a - 9ab + 5b - 3, ठीक है। अब क्वेश्चन उतारने के बाद हमें इस ये सब्ट्रैक्ट करना है दिस फ्रॉम दिस, तो इसी आगे आएगा हमारा, ये पीछे आएगा। देखो ऐसे करके आएगा, यहाँ से सोल्यूशन आंसर स्टार्ट हो रहा है 12a - 9ab + 5b - 3। अब सब्ट्रैक्ट का साइन माइनस होता है और इसको लिखने से पहले हमें ब्रैकेट डालना पड़ेगा यहाँ पर, 4a - 7ab + 3b + 12। अगर आप लोग ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इस चीज़ की आपको ध्यान रखनी है। जब भी माइनस साइन होता है तो ब्रैकेट आपको डालना पड़ेगा। ये जो ब्रैकेट के बाहर जो माइनस साइन है ये अंदर वाले सारे नंबर से एक एक करके मल्टीप्लाई होगा साइन से, उससे क्या होगा, ये सारे जो साइन अंदर वाले चेंज हो जाएंगे। अगर ब्रैकेट आप नहीं डालेंगे तो खाली आपका 4a का साइन चेंज होगा और बाकी के साइन चेंज नहीं होंगे, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मैं इसको कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप ध्यान से देखिए। इसको मैं ऐसे कॉपी कर ले रहा हूँ क्योंकि ये सारे अनलाइक टर्म्स हैं, ये सॉल्व नहीं होंगे। 12a - 9ab + 5b - 3। अब देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस 4a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7ab, और देखो माइनस प्लस फिर माइनस 3b माइनस प्लस फिर माइनस 12। माइनस साइन का मल्टीप्लाई होने से इनके सब के साइन चेंज हो गए, आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे। इस चीज़ की ही बच्चे गलती करते हैं, बच्चे ब्रैकेट नहीं डालते हैं और पहले का ही माइनस कर देते हैं चेंज और बाकी ऐसे ऐसे कॉपी कर दे रहे, तो उससे गलती हो जाता है। इसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है लाइक टर्म्स को एक साथ लाना। लाइक टर्म्स मतलब जिसके वेरिएबल एक जैसे हों, पावर भी एक जैसी हो। देखो यहाँ पर 12a है, यहाँ पर भी a है, तो 12a और ये पास में आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4a, माइनस का 9ab है और यहाँ पर हमारे पास प्लस का है 7ab, उसके बाद प्लस का है 5b, उसके बाद हमारे पास माइनस का 3b है, उसके माइनस 3 और माइनस 12। अब काउंट कर लो कितने नंबर थे हमारे पास, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। ये काउंटिंग मैंने इसलिए की है कि मैं कोई नंबर भूल ना गया हूँ सॉल्व करने नीचे लिखने से। अब यहाँ पर भी 8 थे, यहाँ पर भी 8, इसका मतलब बराबर है हमारे, कोई नंबर नहीं भूला। अब क्या होगा, हमारी लाइक टर्म्स क्या करनी पड़ेंगी, सॉल्व करनी पड़ेंगी। अब देखो ए हमारी लाइक टर्म्स हैं, ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस करेंगे और 12 - 4 करा तो 8a आ गया। साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, तो ये प्लस का है। यहाँ पर भी 9ab, ये भी ab है, ये भी ab है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 9ab माइनस का और ये प्लस का है, प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस। अब 9 में 7 गया तो बचेगा 2ab, अब साइन किसका आएगा, ये है बड़ा 9, तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अब b भी हमारे लाइक टर्म्स है, 5b - 3b, और बड़े का साइन कितना है, 5 का प्लस है, तो हमारा आएगा 2b। ऐसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बड़े का साइन माइनस है और ये हो जाएगा हमारा 15। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए हमारा यहाँ पर देखो और कोई ए नहीं है, ए बी भी हमारा अकेला है, बी भी हमारा अकेला है, नंबर भी हमारा अकेला है, तो इस चीज़ को हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है।
अगर आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें वीडियो के ऊपर, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले यूट्यूब में लॉग इन कर लें, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करें, और फ्रेंड सर्कल के साथ भी चैनल को जरूर शेयर कीजिए। मेरे इस चैनल में बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप लोग को ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, तो उससे बचने के लिए आप लोग प्ले लिस्ट का बेनिफिट उठाइए। प्ले लिस्ट में जाइए, अपनी क्लास देखिए, अपना चैप्टर देखिए और उस पर क्लिक कीजिए, आपको सारी वीडियो आपके चैप्टर की एक ही जगह पर प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। आप लोग उसको स्क्रॉल करके अप एंड डाउन करके अपने जो चैप्टर है उसकी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत जल्द मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।